सचिन सैनी हिंदुस्तान टाइम्स। मैं नीरज शर्मा अमर उजाला से। सर कल ही मंत्री राजेंद्र गुड़ा का उन्हें बर्खास्त किया गया, राजेंद्र गुड़ा को क्या कारण रहे? लगातार सरकार को घेरते आ रहे थे वो, एक सभा के अंदर उन्होंने यहां तक कह दिया कि सबसे भ्रष्ट सरकार जो है वो हमारी सरकार है, और कल उन्होंने विधानसभा के अंदर सरकार को बैकफुट पर ला दिया। ये हमारी पार्टी के अंदर ही मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुख्य मुद्दा है महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट। अगला श्याम सुंदर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। हेलो सीएम साहब, क्योंकि राहुल गांधी ने 72,000 रुपए सालाना देने की बात कही थी इलेक्शन में, और उसी के तहत आप उस गारंटी को इस बिल के माध्यम से देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कब तक लागू हो पाएगा? क्योंकि अभी गवर्नर के साइन होने, उसके बाद कितना टाइम दे पाएंगे? महीने भर, 2 महीने, फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो क्या संदेश जाने वाला है? प्रधानमंत्री के मंच पे आप बार बार कहते हैं, आपने तो करके दिखा दिया, अब फिर भी मंच शेयर करके कहेंगे आप हमारा वाला कानून भी लागू कर दो। आपका अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हमने एक्ट बनाया है और हम चाहेंगे 15 अगस्त तक जो है इसके नियम बनने पड़ेंगे। गवर्नर साहब के आदेश के साइन होकर आएगा तभी कानून बनेगा, परंतु हम कोशिश कर रहे हैं इसके नियम कायदे जो हैं वो भी हम 15 अगस्त तक बना लें, जिससे कि जल्दी लागू हो सके। एक बार और मैं कहना चाहूंगा आपको, मेरी तरफ से ये जो नरेगा हो या हमारे जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हो या पेंशन हो, इससे जो इकोनॉमी है किसी प्रदेश की वो और मजबूत होती है। जितना